हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NIT कुरुक्षेत्र में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे BTech डिप्लोमा 12th BSc के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो यहाँ पे सॉल्व हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक आसान सवाल पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। तो आज का सवाल है, तो क्वेश्चन है, संविधान हमारे देश को किस प्रकार नामित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स अवर कंट्री इज। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर लिखता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देखिए पोस्ट का नाम देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, देन यहाँ पे आपका टेक्निकल ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स है, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स है। तो जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। बाकी अदर जैसे टेक्निकल ऑफिसर हो गया और भी अदर जो पोस्ट हो गई उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। तो इसकी थोड़ा लास्ट डेट जान लीजिए। लास्ट डेट जो है आपका ये 14/12, यानी कि आपका 14 दिसंबर से पहले आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स है इसकी काफ़ी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसी तरह टेक्निकल की एक नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देन बात किया जाए आपका टेक्नीशियन के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। 21 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट के साथ, देन टेक्नीशियन के लिए 14 और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जो सैलरी भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं और ये जो है आपका परमानेंट जॉब है। इनिशियली जो है आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा, देन आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इन पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि जो बाकी वैकेंसीज है उसमें जो है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आपका पर्सनल असिस्टेंट से। तो पर्सनल असिस्टेंट में देखिए इसका लेवल 6 पे जो है ग्रेड पे है। इसमें जो इशेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएशन में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें आपका स्टेनोग्राफी मांग रखा है 100 वर्ड पर मिनट का। देन इसमें जैसा कि लिखा हुआ कि एक साल जो है आपको इनिशियली एज ए रखा जाएगा टेम्प्रेरी बेस में, देन आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं अगली पोस्ट, तो अगली पोस्ट देख लीजिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की है। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट में क्या रिक्वायरमेंट है आपका, आपके पास जो है 12th पास होना चाहिए और आपकी जो 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग होना चाहिए, तब जाके आप जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। देन यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 साल रखी गई है और ये भी जो है आपका इनिशियल एक साल जो है आप प्रोबेशन पीरियड रहोगे, देन आपका परमानेंट यहाँ पे हो जाएगा। सैलरी देख लीजिए यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी रखी गई है। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो देखिए यहाँ पे जो है बी बीटेक और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 साल रखी गई है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, देन यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्किंग के कैंडिडेट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो बीएससी के यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी जो ब्रांच है यहाँ पे एलिजिबल है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और यहाँ पे डिप्लोमा और बी बीटेक दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देन बात करते हैं अगली वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए, तो देखिए टेक्नीशियन में आपको क्या रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियन में अगर आपके पास 12th है और साथ ही साथ ITI है तो आप जो है एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास 10th है और ITI है तो वही आप एलिजिबल हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप जाके इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है डिप्लोमा, ITI और 12th के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। ITI होना मैंडेटरी है, अगर ITI नहीं है तो डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ब्रांच की बात की जाए तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड VLC डिज़ाइन के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। देन बात करते हैं आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखिए BSc के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो BSc की फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनका जो है कोर्स होना चाहिए, तब जाके ये यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एक जो कैंडिडेट है वो आपको मतलब ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन के सिवा कोई आप फॉर्म को नहीं फिलअप सकते, मतलब ऑफलाइन ये मोड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन की फ़ी की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। देन यहाँ पे बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि
इम्पॉर्टेंट डेट की, तो देखिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है इसका, ये आपका फॉर्म जो है 9/11 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म की 15/11 रखी गई है, सॉरी 15/11 से जो है आपका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा, और ये 9/11 को जो है ये नोटिफिकेशन आया था, तो 15 नवंबर से ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है ये आपको पहले मैंने बता दिया है कि 14 दिसंबर को जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी भेजना पड़ेगा, तो हार्ड कॉपी की भेजने की जो लास्ट डेट है आपका 24 दिसंबर रखी गई है। अब हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, या फिर ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस लिंक को आप क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन डेट है आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होगी, और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका कहाँ पर होगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका कुरुक्षेत्र में होगा, तो कुरुक्षेत्र में इसका जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप अपनी क्वेरीज जो है यहाँ से पूछ सकते हैं, ये जो वेबसाइट दे रखी है इस लिंक पे जाके आप मेल कर सकते हैं, और अपने जो क्वेरीज है जो भी प्रॉब्लम है आप इससे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी NIT कुरुक्षेत्र में आई हुई वैकेंसी, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया होगा, और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था तो उसका राइट आंसर आप हमें जो है ज़रूर कमेंट करें, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है और राइट आंसर कमेंट करता है। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।